जिले के लौर थाना अंतर्गत खैरा सीतापुर का है, जहां सौरभ नाम का व्यक्ति लंबे समय से लाखों का कारोबार करता रहा, लेकिन इतना लंबा खुलेआम अवैध कारोबार गांजा और कोरेक्स चलने के बावजूद लौर पुलिस के कानों कान खबर तक नहीं पहुंचे। रीवा जिले में यूं कहे तो अवैध कारोबार की जड़ें सब ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पैठ बना चुकी हैं, लेकिन सवाल यहां चौंकाने वाला यह है कि इसी गति से पैर अवैध कारोबार के चलते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब गांव-गांव में अवैध कारोबार पैर पसारने लेगा। सवाल यह भी खड़ा होता है कि इतना बड़ा अवैध कारोबार खुलेआम धड़ल्ले के साथ चल रहा है, साफ साफ वीडियो में गांजे की पुड़िया और नशे की सिरप देखी जा सकती है। गांव क्या दूर के गांव तक इस अवैध कारोबार की बू लगने लगी, पर ऐसा क्या लौर पुलिस को भनक तक नहीं लगी। वीडियो में गांजे की पुड़िया और नशे की सिरप देखी जा सकती है। गांव क्या दूर के गांव तक इस अवैध कारोबार की बू लगने लगी, पर ऐसा क्या हुआ कि लौर पुलिस को भनक तक नहीं लगी। आखिर कब तक जान जोखिम में डालकर समाज सेवी पुलिस को ड्यूटी याद दिलाते रहेंगे। सूत्र बताते हैं कि जड़ें आज की नहीं बल्कि पुरानी हैं, जिनको जड़ों से उखाड़ पाना अब प्रशासन के लिए चुनौती साबित होने लगी है। तो वहीं लौर थाना अंतर्गत कई जगह इस तरह के कारोबार संचालित हैं। रीवा एसपी नवीन भसीन ने कमान संभालने के बाद अवैध कारोबार की जड़ें तो कटी हैं, अवैध कारोबार की पैठ तो उखाड़ी है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में अभी भी कुछ जगह अवैध कारोबार की पैठ की जड़ें गहराई तक समाई हुई हैं। अब सरलता से मिलने वाला गांजा और कोरेक्स का आदि युवा वर्गों पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस प्रशासन गहरी नींद से जाग पाता है या नहीं। ले 30 फीट।